चंद्रप्रकाश जी जोशी साहब, आपको इस विशाल परिवार की अगुवाई सौंपी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र जी के पुरस्कार से जो किरणें निकलेगी, जो प्रकाश होगा, वो ऐसे चार साल और चार महीने से चल रही कांग्रेस के कुराज के अंधेरे को भेदकर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को बड़े आकार में जन्म देगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, कभी चाय बेचने वाले साधारण परिवार का कोई व्यक्ति जिसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट देती है हमारी अगुवाई करते हैं, तो कभी किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की अगुवाई का मौका मिलता है। और कल तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने हमारी तुम्हारी जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो कहने वाले सीपी जोशी साहब को आज इस भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई का मौका मिला है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा, आजकल इस देश के अंदर कांग्रेस के लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिन्हें एक न्यायालय ने सजा दे दी उनके बेतुके बयान पर ये राजस्थान के लोग भूले नहीं है। सीपी जी, यहाँ कभी जीजा जी ने, रॉबर्ट वढेरा ने आकर कोलायत में जमीन को लूटा, तो कभी इसी सरकार के नुमाइंदों ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ा पेपर लीक करके। यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी को लूटा। कांग्रेस के इस राज के अंदर अगर बात छेड़ी जाए तो कितनी बात कर लो, पर आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर है, किसान परेशान है, नौजवान हैरान है। बस सीपी जी, आपको तो एक हुंकार भरनी है, यह रावल दस्ता इस कांग्रेस शासन को इस प्रकार इसके ताबूत में कील ठोकेगा। मैं जब जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। आओ हम सब लोग आज के दिन संकल्प ले, जब तक इस कुशासन का अंत नहीं होगा, 25 की 25 सीटें फिर लोकसभा के अंदर और 200 में से एक फॉर्चुनर की सवारी जीती बचे तो बचे, कांग्रेस को इतना रौंदना है और ऐसे कार्यकर्ताओं के भरोसे रूंधेंगे। मैं निवर्तमान अध्यक्ष सतीश जी, आपकी गतिशीलता के लिए, आपकी मेहनत के लिए आपको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।